हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आईटी ऑफिसर के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाली हैं 2021 और 2022 के लिए, जिसके बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन सी वैकेंसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी बातें अपन डिटेल में करेंगे। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्केल वन और स्केल टू के लिए बहुत सारी पोस्ट निकाली हैं। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की पोस्ट भी हैं, बहुत सारी आईटी ऑफिसर की पोस्ट भी हैं। तो यहाँ पे टोटल 190 पोस्ट हैं। इस 190 पोस्ट को इन्होंने कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। 100 पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी एमएससी की है तो भी आपके लिए बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी ओपनिंग है, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एज लिमिट है 20 से 30 इयर्स। इसके अलावा अगर आपने बीई किया है, बीई अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, या फिर अगर आपने एमसीए किया है और एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आप आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जो हमारी टोटल 60 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पोस्ट हमारे आईटी ऑफिसर के लिए हैं और टोटल 100 पोस्ट हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए हैं, यानी टोटल 190 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली हैं। इसी तरह और भी बैंक इन्हीं सेक्टर्स में पोस्ट निकालेंगे, क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर बैंक बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं और बहुत सारी पोस्ट निकाल रहे हैं। अपन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इन पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की। ये वाली जो पोस्ट है, ये स्केल वन की पोस्ट है। इसमें टोटल 30 वैकेंसी इन्होंने निकाली है, बहुत सारी वैकेंसी हैं, 30 वैकेंसी निकाली हैं और एज लिमिट है 20 से 30 इयर्स की। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डीबीए की। डीबीए स्केल टू की पोस्ट है, इसकी एज लिमिट है 25 से 35 इयर्स की और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 3 हैं। इसके अलावा विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की भी पोस्ट है। विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की एज लिमिट भी आपकी 25 से 35 साल है और 12 टोटल पोस्ट हैं इसके लिए भी। इसके अलावा प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट निकाली है, टोटल 3 पोस्ट हैं इसके लिए और तीनों पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर की भी 10 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं, अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट हैं इसमें। ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की भी इन्होंने पोस्ट निकाली है 2। तो ये टोटल मिला के 60 पोस्ट हमारे आईटी ऑफिसर के लिए हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो जो हमारा पोस्ट का नाम है, जो फर्स्ट पोस्ट थी हमारी आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की, ये स्केल वन की पोस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि स्केल वन और स्केल टू में डिफरेंस ये है कि जो स्केल वन का पे स्केल होता है वो 64,000 के अप्रॉक्स होता है और उसके अलावा आपको जितने भी अलाउंसेस हैं, यानी टीए डीए एचआरए, वो अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 30 है, स्केल वन की पोस्ट है। और जो स्केल टू की पोस्ट होती है उसका जो पे स्केल है वो 70,000 के अप्रॉक्स है, उसके अलावा जो टीए डीए एचआरए होगा वो अलग से आपको मिलेगा। तो ये वाली जो पोस्ट है आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की, वो स्केल वन की है। 30 पोस्ट इन्होंने निकाली है इसके लिए। क्वालिफिकेशन हमें चाहिए है, अगर आपने बीई की है, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से, या फिर अगर आपने एमसीए किया है या अगर आपने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है कि हमेशा पोस्ट बीई बीटेक वालों के लिए निकलती हैं, एमसीए एमएससी वालों के लिए पोस्ट नहीं निकलती। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमसीए वालों के लिए, एमएससी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया है वो आप बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका जो मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए अनरिजर्व के लिए वो 55% होना चाहिए और एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 50% होना चाहिए, ठीक है।
स्केल वन में मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का रिक्वायर्ड होगा, यानी अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है आईटी सपोर्ट में, सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे शो करने पड़ेंगे। इसके बाद एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स से मैक्सिमम 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। बैंक हमेशा सेफ्टी साइड लेके चलता है, तो इन्होंने बॉन्ड पीरियड भी दिया है, यानी स्केल वन के लिए 3 ईयर का बॉन्ड पीरियड है, यानी आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा 3 साल का। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूंगी कि इस टाइप की पोस्ट के लिए 3 साल का बॉन्ड पीरियड बहुत ज्यादा नहीं होता, तो डेफिनेटली आप इसको जरूर भरिए। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का है। तो ये पूरी डिटेल हो गई फर्स्ट पोस्ट के लिए। अब अपन सेकेंड पोस्ट जो आईटी ऑफिसर की है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट। ये स्केल 2 की पोस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केल 2 का जो पे स्केल होगा वो 70,000 के अप्रॉक्स होगा, और HRA DA TA वो अलग से होगा। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है केवल इसमें। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है BE या BTech इन स्ट्रीम से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से, या फिर अगर आपने MCA किया है, MSc की है कंप्यूटर साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एग्रीगेट यहाँ पे दिया हुआ है 55%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो SC ST OBC में, तो 50%। एक्सपीरियंस क्योंकि ग्रेड 2 की पोस्ट है, स्केल 2 की पोस्ट में हमें मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो स्केल 2 में मिनिमम 3 ईयर और स्केल 1 के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। एज लिमिट है 25 से 35 ईयर। स्केल 1 की पोस्ट के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट थी, यहाँ पे 25 से 35 साल है। बॉन्ड पीरियड 2 ईयर्स का होगा स्केल 2 के लिए, ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होगा। तो ये डिटेल इसकी हो गई। अब अपन देख लेते हैं थर्ड नंबर की पोस्ट, तो वो है विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की। ये स्केल 2 की पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं, 12 पोस्ट निकाली है इन्होंने, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो डेफिनेटली आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन सेम है, BE BTech कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, या फिर अगर आपने MCA और MSc किया है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इलिजिबल हो इसके लिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा 3 ईयर का होना चाहिए क्योंकि ये स्केल 2 की पोस्ट है, और एज लिमिट हमारी मिनिमम 25 से 35 ईयर की एज लिमिट दी है। उसके अलावा बॉन्ड पीरियड हमें 2 ईयर्स का इन्होंने दिया है, मिनिमम 2 ईयर बॉन्ड पीरियड ये आपसे भरवाएंगे, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं वो एक सेफ्टी साइड लेके चलते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसीलिए को लेके यहाँ पे बॉन्ड फिल कराते हैं। प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट। ये भी स्केल 2 की पोस्ट है। इसकी 3 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी बिल्कुल सिमिलर है, एज लिमिट भी बिल्कुल सेम है 25 से 35 साल। मिनिमम बॉन्ड पीरियड यहाँ पे भी 2 ईयर का होगा। नेक्स्ट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। ये भी स्केल 2 की पोस्ट है, लेकिन यहाँ 10 पोस्ट इन्होंने निकाली है, नंबर ऑफ पोस्ट 10 निकाली है, तो इसके लिए भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी सेम है, जो एक्सपीरियंस हमें चाहिए है वो 3 ईयर्स का होना चाहिए कम से कम, और उनको प्रिफर किया जाएगा जिनका बैंकिंग प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट इन्होंने निकाली है ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की। ये स्केल 2 की पोस्ट है। इसमें केवल 2 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस थी, वही है। जो एक्सपीरियंस है वो हमारा मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, और उनको प्रेफर किया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में है, ठीक है। और अगर बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी अगर आपका इन फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्वालिफाई करने के। एज लिमिट आपकी सेम है 25 से 35 साल। बॉन्ड पीरियड आपका 2 ईयर का है और प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है। तो ये सारी पोस्ट निकाली हैं। टोटल 60 पोस्ट है आईटी ऑफिसर के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हो तो एग्रीकल्चर के लिए 100 पोस्ट है, तो एग्रीकल्चर का आप सेपरेटली, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि
कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अपन देख लेते हैं पे स्केल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्केल वन का पे स्केल 64,000 के अप्रॉक्स होता है। यहाँ पे देखिए स्केल वन का पे स्केल 64,000 के अप्रॉक्स है और स्केल टू का पे स्केल जो है वो 70,000 के अप्रॉक्स है। इसके अलावा डीए टीए एचआरए जो होगा वो मेडिकल अलाउंसेस जो होंगे वो आपको अलग से मिलेंगे, आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी किस सिटी में पोस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड दिया है, स्केल वन के लिए कम से कम प्रोबेशन पीरियड 24 मंथ का होना और स्केल टू के लिए 12 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो इनका मिनिमम कट ऑफ है वो 50% है अनरिजर्व के लिए और 45% है एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरीज के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा और ये 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम पैटर्न इन्होंने बनाया है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज को लेके, यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो इंजीनियरिंग को लेके कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन दो मार्क्स का होगा, यानी जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा। ये 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, यानी एक घंटे में करने हैं। इसके अलावा कोई भी आपका इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, कोई भी आपकी रीजनिंग ये सब कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा एग्जाम है, बहुत इजी है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। 100 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एक क्वेश्चन दो मार्क्स का है, एक घंटे में हमें पेपर सॉल्व करना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल प्रोफेशनल नॉलेज का एक ही पेपर होना है 50 क्वेश्चन का और 100 मार्क्स का, जिसको हमें एक घंटे में सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली आप इसको जरूर दीजिए, जरूर क्रैक कर सकते हो, बहुत इजी एग्जाम है बहुत, क्योंकि हर बैंकिंग सेक्टर का जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश वगैरह पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, एप्टी होता है, तो इस टाइप का इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधे सीधे एक ही पेपर है। इसके बाद आपके जीडी और इंटरव्यू हो सकते हैं, तो जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है उसको जीडी कब होना है और इंटरव्यू कब होना है, वो सारी चीजें वो बाद में डिक्लेयर करेंगे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपका बहुत सिंपल है इसका। अब एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, ये स्टेट दिए हैं और जैसे बिहार में पटना में इनका सेंटर होगा, इस तरीके से ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस अपन देख लेते हैं। ये नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आप फॉर्म भरते हो ये फीस पे करोगे तो ये रिफंड नहीं होगी, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए और ओबीसी के लिए फीस 1,000 रुपीज है और इन्होंने जीएसटी भी इसमें जोड़ा है 180 रुपीज, तो टोटल फीस हो गई 1,180 रुपए, ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी के लिए फीस जो है वो एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज है और जीएसटी 18 रुपए है, तो 118 रुपए इनकी टोटल फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि क्या है। तो 1 सितंबर 2021 को इन्होंने ये पोस्ट अनाउंस की थी और 19 सितंबर 2021 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 19 सितंबर 2021 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, तो ये आप ध्यान से करिएगा, जितनी जल्दी हो जाए आप इसको फिल कर दीजिए। उसके बाद
जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो अभी ये सेपरेटली अनाउंस करेंगे या बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट में ये अपडेट करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगी। और जो जीडी और इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन है वो भी सेपरेटली इन्फॉर्म की जाएगी आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट में, तो वो सब आपको बाद में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप पेमेंट ऑफ फीस देख लेते हैं कि पेमेंट मोड क्या होगा, तो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो 1 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई आपके आईटी ऑफिसर के लिए, या फिर अगर आप जो भी पोस्ट निकली है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए उनको अप्लाई करना है तो फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। और अगर आपको कोई डिटेल चाहिए है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पे जाके आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको अप्लाई जो करना है उसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके।